इस मूवी की शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम हना, दूसरे का नाम मिली और तीसरे दोस्त का नाम कैल होता है। और जब मिली होते अपने टीचर के ऊपर जेम्स के ऊपर क्रश्ड होता है। उसने जेम्स के बॉक्स पे एक छोटा सा लव लेटर रखा होता है। अब वो लव लेटर वहाँ पे नहीं होता, वो तीनों समझ जाते है कि इनके टीचर ने मिल चुका है। लिली अपने दोस्त को हना से कहती, अब तुम जेम्स के पास जा, उनसे उनका जवाब पूछो। हना अपने टीचर जेम्स के पास जाती, अब पूछते क्या आपने उस लेटर को पढ़ा। उसके टीचर पूछते क्या ये लेटर तुमने लिखा। हना कहती मैंने नहीं, लिली ने लिखा था। उसके टीचर कहते हैं कि लेटर में बहुत सारे ग्रामिकल मिस्टेक होती है। हना मिली को ये बात बताती कि उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कहती है टीचर के पास दिल नहीं, अब वो प्यार नहीं करते। जो उसका प्यार था टीचर के अंदर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अगले दिन इनकी जब क्लास चल रही होती, उनकी बगल वाली क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते बच्चे, और वहीं पे जेम्स का क्लास होता है। और जेम्स लेकिन नीचे टेबल पे सो रहा होता। हना जब देखती है कि टीचर सो रहे हैं, तो वो उसके ऊपर बुक फेंक के उठाते हैं। वो बुक फेंकने से उठ जाते हैं। वो बताती है कि आपके क्लास का टाइम हो चुका है। वो फिर अपने क्लास चला जाता। फिर वो क्लास खत्म हो जाने बाद फिर जेम्स उसके पास आता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे बुक फेंक के मार, मुझे हर्ट हुआ तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं टाइम से क्लास पहुंच चुका। वो हना को थैंक्स कहता और वहां से चला जाता। अब वो हना अपने जब घर जा रहे होते, तब वही देखते कोई उसके पीछे आ रहा होता। दरअसल आज ही टीचर ने बताया था कि शहर में कोई एक अनजान व्यक्ति जो लड़कियों को अगवा कर रहा है। हना उन्हें उसे देख के डर जाते। अब वो भागने लगती है। भागते भागते वो सड़क पे गिर जाती। तभी वो सड़क पे एक गाड़ी आती, वो ये गाड़ी जेम्स की होती। वो जेम्स को जाके पकड़ लेती। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता जो उसके पीछे आ रहा होता। वो दरअसल एक आदमी होता जो जॉगिंग कर रहा होता। अब वो गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती, इसीलिए उसे जेम्स हॉस्पिटल ले जाते, उसे स्ट्रॉबेरी पीने भी देते। कुछ ही देर बाद उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसे साथ में गाड़ी में ले जाते। लेकिन हना जिसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया होता है, उसे कहीं ना कहीं उसे अपने टीचर से प्यार होने लगा। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ होती है। वो अपने दोस्त को कहती टीचर से प्यार करने से क्या फायदा, जब वो हमसे प्यार करेंगे नहीं। वो बात सुनने से वो मिली रोने लगी। वो उसे चुप कराती है। तभी उसके टीचर देख लेते। तभी के टीचर बोलते हना को तुम्हें अपना होमवर्क स्कूल में ही करना होगा। अब सब बच्चे चले जाते। तभी वहीं पे जेम्स आता। वो पुस्तक तुम अभी तक से घर क्यों नहीं गई। वो बताती है कि टीचर ने मुझे स्कूल में होमवर्क करने को कहा है, मैं होमवर्क को कंप्लीट करके ही जाऊंगी। जेम्स उसे अपनी होमवर्क कंप्लीट करने में मदद करता है और साथ ही उसे अपने घर उसे छोड़ने के लिए जाता। जब वो उसे अपने गाड़ी में ले जाता है, तब उस हना देखती है कि उसके मोबाइल में इंग्लिश टीचर का एक मैसेज आया है जो उसे कल उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जहां पे जेम्स इंग्लिश टीचर मिलने होते हैं, वहां पे हना और उसका दोस्त कार्ल एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। जहां पे इंग्लिश के टीचर जेम्स को प्रपोज करती है, लेकिन जेम्स उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। यहां पे फिर वो दोनों चले जाते। वहां पे हना का दोस्त कार्ल जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, वो खुद इंग्लिश के टीचर को लाइक करता है। वो जेम्स को मारने जाता है, लेकिन हना उसे रोक लेती है और कार्ल को समझ आ जाता है कि हना जेम्स को पसंद करती है। और अगली बार मिली को बात भी पता चल, जो खुद जेम्स को पसंद करती थी। लेकिन मिली को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो इस अपने दोस्त को सपोर्ट करती है। अब हना भागते हुए अपने टीचर के पास जाती और उसके अंदर जो भी फीलिंग्स होता है वो कह देती। लेकिन उनके टीचर जो जेम्स होते वो कहते कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हना फिर कहती कि मैं अगर आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री में 90 से ज्यादा मार्क्स लेके आऊं, आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन टीचर कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे पिछले बार हिस्ट्री में 50 ही मार्क्स आए थे। अब हना इसको एक्सेप्ट करके चली जाती। अब लेकिन वो 90 प्लस नंबर आए थे कि टीचर जेम्स उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन हालांकि जेम्स कहीं दिल में लगता उसने ये कह के गलती तो नहीं कर दी। अब लेकिन इन दोनों के बीच में डील हो चुकी है। अब हना दिन रात भर पढ़ने लगती है, लेकिन हर जगह वो पढ़ने लगती है। वो एक दिन जब पढ़ने ते पढ़ते सीढ़ी से नीचे आ रही थी आती है, तब वो जेम्स से टकरा जाती है। जेम्स के चश्मा टूट जाता, वो बिना चश्मे के उन्हें कुछ नहीं दिखता है। इसलिए हना अपने टीचर को मैं घर तक पढ़ने के लिए जाती है। वहीं पे इंग्लिश टीचर भी होती है जो जेम्स को पसंद करती है। वो हना और जेम्स को एक साथ देख लेती है। वो समझ जाते इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। वो अगले दिन क्लास के बाद हना से पास जाते, वो नीचे जेम्स बैठा हुआ था। वो हना से कहती है कि जेम्स वो हर किसी से अच्छे से बात करता है, तुम उसके अच्छे बिहेवियर को कुछ गलत मत समझना।
हना वहाँ से चली जाती और वहाँ पे कैल आता जो इसी इंग्लिश टीचर से प्यार करता, वो अपनी टीचर से कहता तुमने हना से ऐसा इसलिए कहा कि तुम कुछ जेम्स को पसंद करती हो। उसकी टीचर मना कर देती लेकिन कैल कहता कि अगर ऐसा नहीं है तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। वो अपना प्यार का इजहार करता अपने टीचर से। उसकी टीचर कहती अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी नहीं समझ सकते प्यार क्या है। फिर एक दिन हना अपने टीचर के जेम्स के पास जाती और पीछे से उनकी आंखें बंद कर देती। फिर जेम्स उसे समझाते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी जिंदगी अलग है और तुम्हारे हाई स्कूल के एग्जाम है, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वो वहां से चले जाते और हना से का इस बात से दिल टूट जाता। वो बहुत रोती। वो ये बात के दोस्त और मिली और कैल को पता चलते, वो दोनों के दोनों अपने टीचर के पास चले जाते। वो अपने टीचर को कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से हना को नहीं मना करना चाहिए। दिल टूट गया है, वो बहुत ही दुखी है। वही हना को दिखाया जाता है एक रात में एक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में गई, लेकिन कभी इससे पहले हना कभी नाइट क्लब में नहीं आई हुई। लेकिन उसका दिल टूट गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या कर रही होती है। यहाँ पे उसे एक लड़का उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पर हना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहां से बाहर निकल जाती। बाहर बारिश हो रही है तो हना धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही होती। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। यहाँ पे दो लोग उसे छेड़ने की कोशिश करती है पर यहाँ पे उसके टीचर जेम्स आ जाते हैं, अपने हना को घर ले जाते। अब हना के एग्जाम हो चुके और उस हिस्ट्री का रिजल्ट आता है। उसने हिस्ट्री में 97 मार्क्स लाया होता है जैसा कि अपने टीचर से अपने वादा किया था, लेकिन अब वो सर जीत चुकी है। लेकिन वो सर अब उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेम्स ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। वो इस बात से बहुत ज्यादा ही दुखी होती। जब वो एक दिन आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती, आर्चरी का मतलब तीर धनुष का, जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वो आर्चरी के एक प्लेयर जो उसे पहले से जानता वो उसके पास आता। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने टीचर से प्यार करती हो, तुम्हें अपने अंदर की चीजों को उनके साथ शेयर करने चाहिए, जो कि तुम्हारे दिल में जो भी है तुम्हें उनके साथ शेयर करना चाहिए। ये बात सुनकर फिर उसे हिम्मत आती। फिर और अगले दिन जब स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन होता जिसने उस फंक्शन के लिए वेडिंग ड्रेस पहनी होती है, वो उसी वेडिंग ड्रेस पहन कर बिल्डिंग की छत पे चली जाती जहाँ उसके टीचर जेम्स होते। वो जेम्स पास जाते, उन्हें कहती कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मैं वादा कर हमेशा मैं तुमसे प्यार करूंगी। जेम्स का भी दिल उसके लिए पूरी तरह से बदल चुका है। वो हना को अपने गले से लगा लेते, उसे किस करता है। इस तरह से इन दोनों रिलेशनशिप में आ जाते। अगले दिन जब हना स्कूल में आते उसे पता चलता है कि उसके बारे में और जेम्स के बारे में सब पता चल चुका है। दरअसल जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते किसी ने इनका फोटो क्लिक कर लिया था। अब हर किसी के पास फोटो होता है। और अगले दिन जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तब वहाँ पे जेम्स को बुलाया जाता है और उससे सवाल का जवाब मांगा जाता है। जेम्स उनके सवाल को का जवाब देता है और उस वक्त हना और कैर बाहर से सब कुछ सुन रहे होते। अगले दिन जेम्स हना को मिलने के लिए बुलाता और वो उसे कहता है कि कल वो जब जो कुछ हुआ था वो एक मोमेंट्री था, लेकिन डायरेक्टली वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ। ये बात सुन करके उसका दिल टूट जाता, वो वहां से निकल जाती। और वो जब वो रेलवे स्टेशन पे होती तब तभी उससे उस दोस्त वाला जो एक आरसीडी प्लेयर होता जो हना को अप्रोच किया होता है, वो हना से मिलने के लिए आता है। वो हना से कहता है कि स्कूल में तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे बातें हो रही, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने एज के लड़के के साथ डेट करना चाहिए। वो कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल ये स्कूल में ही पढ़ता है। वहीं भी स्कूल में दिखाया जाता है पूरे हना के दोस्त मिली और कैल उसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही जेम्स को स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे शहर के स्कूल में, यानी कि जेम्स इस शहर को छोड़ के जाने वाला। कैल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सीधा वो जेम्स के घर जाता है। तुमने जो भी हना के साथ किया वो बहुत ही गलत था, तुमने उस दिन मीटिंग में कहा था जो कुछ हुआ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो और तुमने कभी भी हना को हर्ट नहीं करना चाहा, लेकिन तुमने झूठ कहा था, तुमने हना को हर्ट किया, वो तुम्हारी वजह से आज बहुत परेशान। वो जो जेम्स उसका टीचर है, तुम इन सब बातों को नहीं समझ पाओ, तुम बहुत छोटे हो। इस बात सुनकर केल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हम छोटे पर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और तुम बड़े होकर भी भागना चाहते हो। दरअसल वो अपने बारे में भी बात कर रहा होता है जो कि अपने टीचर से प्यार करके टीचर ने भी वही कहा था कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम फीलिंग को नहीं समझ सकते हो। अब जेम्स को अपने गलती का एहसास होता है। वही मिली को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त हना के पास जाते। वो हना से कहती जेम्स अब हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन अब हना कहीं कहीं ना तो कहीं से गिव अप कर चुकी है। पर मिली उसे कहती जेम्स भी तुमसे प्यार करते, तुम्हें आखिरी बार उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। और वो अपनी साइकिल से मिलने के लिए जेम्स से मिलने जाती। वो रास्ते में गिर भी जाती लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती, वो जेम्स से मिलना चाहती है। वहीं पे जेम्स भी हना का इंतजार कर रहा होता है। वो जैसे ही
हना जैन को देखते वो खुश हो जाते, वो भाग के जाते गले लग जाते। इन दोनों को एहसास हो चुका है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जेम्स कहते हैं कि ये हमारा मिलने का सही वक्त नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना होगा, उसके बाद हम हमेशा एक दूसरे साथ रह सकते हैं। अगर तुम्हें इस बीच में कोई और मिल जाए, कोई और पसंद, तुम उसे प्यार कर सकते, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ऐसा कर बोलते हुए उसकी आंखों में दर्द दिख रहा होता है, जिससे पता चल रहा होता है वो कभी भी हना को दूर नहीं करना चाहता। धीरे धीरे वक्त बीता, अब हना अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर लेती, यानी कि वो अब जेम्स के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते। वहीं पे हमें हना के दोस्त को मिली को दिखाया जाता है जो किसी और से प्यार करते। अब वो उसका दोस्त केल आज भी इंग्लिश टीचर को पसंद करता है, आज भी वो अपने इंग्लिश टीचर का अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है। हना अब आखिरी बार अपने स्कूल को देखने जाते जहाँ पे उसने इतने साल बिताए थे, जहाँ पे उसने जेम्स को प्यार किया था, जहाँ उसने उसके दोस्त और उसके दोस्तों की याद है। वो अपने स्कूल के बाद बाहर आते, वहाँ बाहर जेम्स मिलने आता है। अब वो हना से कहते व्हाट डू यू वांट, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ, और उसके बाद वो जेम्स का हाथ पकड़ लेते। अब वो पहली बार एक कपल की तरह से किस कर रहे होते हैं।